वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आर DMLT एंड DRT स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे हिमेटोलॉजी के अंदर। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? एरिथ्रोपोइसिस। आपने देखे थे ओनली एरिथ्रोपोइसिस का चार्ट। तो आज अपन देखेंगे उसकी थ्योरी, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर उन स्टेजेस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, जिसमें आपने क्या देखा था कि एरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन और उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आए थे, जैसे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से लेके RBC मैच्योरेशन तक, यानी रेड ब्लड सेल तक कंप्लीट। तो पीछे के लेक्चर में आपने देखा था एरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो एरिथ्रो इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन रेड। एरिथ्रो इज ए ग्रीक वर्ड मतलब क्या है, एरिथ्रो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, विच मीन जिसका मतलब क्या है, रेड यानी लाल, एंड पोइसिस मतलब किसी चीज का बनना, पोइसिस मीन्स टू मेक या किसी चीज का बनना। एरिथ्रो का मतलब रेड यानी लाल और पोइसिस मीन्स टू मेक बनना, यानी रेड ब्लड सेल का बनना। नेक्स्ट लाइन में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ RBC इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। मतलब फॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का बनना या बनाना, फॉर्मेशन ऑफ RBC यानी रेड ब्लड सेल का बनना इस कारण उसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, विच इज डेवलप फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल टू मैच्योर सेल। और जिसके अंदर क्या होता है कि RBC किससे बनती है, एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल से मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, इट इज स्टिमुलेटेड बाय डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्क्यूलेशन विच इज डिटेक्टेड बाई द किडनी। और ये जो प्रोसीजर है एरिथ्रोपोइसिस की, इट इज स्टिमुलेटेड यानी ये क्या है, उत्प्रेरित होती है कब, बाई डिक्रीज ऑक्सीजन इन सर्कुलेशन, यानी ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन के अंदर क्या है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाए, यानी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तब क्या होगी, ये स्टिमुलेट होगी, उत्प्रेरित होगी RBC का फॉर्मेशन, विच इज डिटेक्टेड बाई द किडनी। और जो ये ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ है, इसको डिटेक्ट कौन करती है, किडनी, वेहन विच देन सिक्रेट द हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन। और जब ऑक्सीजन का लेवल वो डिक्रीज हुआ हुआ डिटेक्ट कर लेती है, यानी पता लगा लेती है, तो वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रेट करती है, जो क्या है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है या उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट, इन द अर्ली फीटस एरिथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इन द मेसोडर्मल सेल ऑफ योल्क। मतलब अर्ली फीटस का मतलब है प्रेगनेंसी के शुरुआत में, टेक प्लेस इन द मेसोडर्मल सेल ऑफ योल्क सैक, मतलब कि जो भ्रूण की मेसोडर्मल सेल है उसके द्वारा क्या होता है, योल्क सैक की एरिथ्रोपोइसिस होता है, यानी RBC का फॉर्मेशन कौन करती है, मेसोडर्मल सेल करती है। नेक्स्ट, आफ्टर 3 मंथ एरिथ्रोपोइसिस मूव्स टू द लीवर एंड सम पार्ट ऑफ स्प्लीन इज इन्वॉल्व। आफ्टर 3 मंथ यानी प्रेगनेंसी के 3 महीने बाद एरिथ्रोपोइसिस मूव्स टू द लीवर, यानी RBC का फॉर्मेशन कौन से ऑर्गन में मूव हो जाता है, लीवर के अंदर, एंड सम यानी कुछ पार्ट ऑफ स्प्लीन इज इन्वॉल्व, और कुछ हिस्सा किसका इन्वॉल्व होता है, यानी मिला हुआ होता है RBC फॉर्मेशन में, स्प्लीन का। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ एरिथ्रोपोइसिस अकर इन बोन मैरो, और बच्चे के जन्म के बाद, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद एरिथ्रोपोइसिस यानी RBC फॉर्मेशन अकर इन बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा के अंदर क्या होता है, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, 0 to 5 ईयर ऑल बोन्स बोन मैरो इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। मतलब बच्चे के अंदर जब 0 से यानी जन्म से और 5 साल तक कंप्लीट बोन्स के अंदर क्या है, RBC का फॉर्मेशन होता है, यानी कंप्लीट बोन्स के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट है वो क्या है, RBC का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, 5 to 20 ईयर टीबिया एंड फीमर कंप्लीट बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। और 5 से 20 साल तक क्या है, टीबिया और टीबिया का फीमर जो बोन्स है उनकी कंप्लीट बोन्स में क्या है, बोन मैरो जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसीजर को कंप्लीट करता है। आफ्टर 20 ईयर ओनली लार्ज बोन एरियस इज बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस। और 20 साल के बाद में ओनली क्या है, जो लार्ज बोन्स है उनके किनारों के अंदर जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है वो क्या है, RBC फॉर्मेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस।
मतलब ये स्टेप क्या है आरबीसी के मैच्यूरेशन के अंदर इन्वॉल्व है, या ये इन इन स्टेजेस से आरबीसी का मैच्यूरेशन होकर गुजरता है। तो सबसे पहले क्या है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, कौन सी सेल बनती है आरबीसी के मैच्यूरेशन में सबसे पहले? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। इट इज द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल इन द मैरो। मतलब क्या है कि सबसे पहले अपन किसको डिटेक्ट कर सकते हैं आरबीसी फॉर्मेशन में? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को, बोन मैरो में। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर कन्वर्ट होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, जहां पे हिमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू होता है। और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होती है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। और इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होती है? लेट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसमें न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का साइज डिक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है, और क्या है साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाता है। रेटिकुलोसाइट क्या है फिर? जो लेट नॉर्मोब्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट होती है? रेटिकुलोसाइट में, यानी जो क्या है प्री मैच्योर सेल, यानी आरबीसी से जस्ट पहले की जो स्टेप है वो क्या है? रेटिकुलोसाइट। और रेटिकुलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है? एरिथ्रोसाइट में। रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट में बस इतना सा डिफरेंट है कि उनकी रेटिकुलोसाइट की शेप क्या है, थोड़ी सी बड़ी होती है। नेक्स्ट स्टेप्स है जो, जिसके अंदर आपने देखा सबसे पहले क्या है कि एरिथ्रोपोइसिस के अंदर हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर प्लुरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स जनरेट होती है, किसमें? बोन मैरो के अंदर। बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बोन मैरो के अंदर पीयूएस यानी प्लुरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स जनरेट होती है। फिर वो स्टेम सेल एरिथ्रोपोइसिस में किसमें कन्वर्ट होती है? बीएफयू में यानी ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट में। और बीएफयू फिर किसमें कन्वर्ट होती है? सीएफयू में यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में। बीएफयू और सीएफयू क्या है? आरबीसी की प्रोजेनाइटर है, यानी जनक से या पेरेंट्स है। नेक्स्ट सीएफयू फिर किस में कन्वर्ट होती है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। यहां तक का जो प्रोसीजर है आरबीसी फॉर्मेशन का वो केवल एक दिन के अंदर कंप्लीट होता है। फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट होती है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, जो क्या है दूसरे दिन के अंदर जो प्रोसीजर कंप्लीट होता है, जिसका डायमीटर होता है 10 to 16 माइक्रोमीटर। और माइटोसिस यहाँ पे चलती रहती है, और हीमोग्लोबिन क्या है जमना या हीमोग्लोबिन सिंथेसिस क्या है यहाँ पे शुरू हो जाती है। नेक्स्ट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होती है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। और इंटरमीडिएट फिर नॉर्मोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है? लेट नॉर्मोब्लास्ट में। और लेट नॉर्मोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फिर रेटिकुलोसाइट में, जिसमें रेटिकुलोसाइट मैच्यूरेशन में 2 दिन का टाइम लगता है, 5वें और 6वें दिन। और फिर रेटिकुलोसाइट किसमें आ जाती है? आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है। नेक्स्ट स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, तो उसके अंदर आपने देखा सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट या फिर स्टेम सेल जो किसमें कन्वर्ट होती है? कमिटेड सेल में, यानी अभी उसकी कमिटमेंट फिक्स हो गई है कि वो क्या फॉर्म करेगी, आरबीसी या प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर किसमें कन्वर्ट होती है? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, जहां पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस शुरू होती है। फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है? इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसमें हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, और फिर क्या है लेट एरिथ्रोब्लास्ट, और फिर क्या है उसके बाद लेट एरिथ्रोब्लास्ट में क्या होता है? न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है। न्यूक्लियस के बाहर निकलने के बाद लेट नॉर्मोब्लास्ट किसमें कन्वर्ट होती है? रेटिकुलोसाइट में। और रेटिकुलोसाइट फिर किसमें कन्वर्ट? एक दिन तो रहती है बोन मैरो में, और दूसरे दिन क्या है सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है, और दूसरे दिन रेटिकुलोसाइट किसके अंदर मैच्योर हो जाती है? एरिथ्रोसाइट के अंदर। नेक्स्ट सबसे पहले वही हीमोसाइटोब्लास्ट या स्टेम सेल जो कन्वर्ट हो रही है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फिर किसमें? अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसमें न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है, और फिर वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होती है। रेटिकुलोसाइट फिर किसमें? एरिथ्रोसाइट में। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसीजर है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो जो हीमोसाइटोब्लास्ट यानी स्टेम सेल से लेकर और जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वहां तक की जो स्टेजेस है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के ऊपर डिपेंड रहती है, जो क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जब डिक्रीज होता है तब क्या है किडनी के द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट तक की जो प्रोसीजर है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है? आयरन के ऊपर डिपेंड रहती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होता है, यानी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है या हीमोग्लोबिन बनता है। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर क्या है 4 आयरन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं,
किसमें डिपेंड है? आयरन के ऊपर डिपेंड है। और रेटिकुलोसाइट से, अगर एरिथ्रोसाइट का जो मैच्यूरेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? विटामिन B12 के ऊपर डिपेंड रहता है। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि एरिथ्रोपोइसिस के मैच्यूरेशन में यानी आरबीसी के मैच्यूरेशन में कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। अभी उसकी थ्योरी देखो, यानी एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसीजर क्या है, कंप्लीट क्या क्या मैकेनिज्म है उसमें। सबसे पहले देखिए, द कमिटेड स्टेम सेल ऑफ द माइलोइड सीरीज गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल एक्सेप्ट द लिम्फोसाइट। यानी आरबीसी का जो मैच्यूरेशन होता है वो कौन सी स्टेम सेल से होता है? माइलोइड स्टेम सेल से, माइलोइड सीरीज से। और सभी जो सेल्स है जैसे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर या फिर प्लेटलेट, सारी की सारी किससे बनती है? माइलोइड से बनती है, एक्सेप्ट यानी अपवाद, किसके अलावा? लिम्फोसाइट के अलावा, क्योंकि लिम्फोसाइट के मैच्यूरेशन के अंदर क्या है? लिम्फोइड सीरीज शुरू होती है। नेक्स्ट, द लिम्फोसाइट ओनली फॉर्म बाय लिम्फोइड सीरीज, यानी ब्लड के अंदर लिम्फोसाइट ऐसी सेल है जो किसके द्वारा फॉर्म होती है? लिम्फोइड सीरीज के द्वारा। बाकी की जितनी भी सेल्स हैं जैसे व्हाइट ब्लड सेल के अंदर न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल या फिर मोनोसाइट या फिर आरबीसी या प्लेटलेट, ये सारी की सारी किसके द्वारा फॉर्म होती है? माइलोइड सीरीज के द्वारा। नेक्स्ट, द कमिटेड स्टेम सेल फॉर द एरिथ्रोसाइट गिव राइज टू द प्रोजेनाइटर, यानी बोन मैरो के अंदर जो कमिटेड स्टेम सेल है, यानी अभी उन्होंने कमिटमेंट फिक्स कर लिया कि वो किसकी फॉर्म करेंगी, क्या फॉर्म करेंगी? एरिथ्रोसाइट। तो वो कमिटेड स्टेम सेल गिव राइज टू प्रोजेनाइटर, वो किसमें आगे डेवलप होती है, क्या गिव राइज, मतलब किसी चीज का बनना, क्या बनती है, फिर आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है? प्रोजेनाइटर सेल में। प्रोजेनाइटर का मतलब है जनक किसी चीज का। एक बार फिर से देखिए, द कमिटेड स्टेम सेल ऑफ द माइलोइड सीरीज गिव राइज टू ऑल ब्लड सेल, मतलब जो माइलोइड सीरीज है कमिटेड स्टेम सेल की, वो क्या है? ब्लड की सभी सेल्स का फॉर्मेशन करती है एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट के अलावा। नेक्स्ट, द लिम्फोसाइट ओनली फॉर्म बाय लिम्फोइड सीरीज, और लिम्फोसाइट जो सेल है वो किसके द्वारा फॉर्म की जाती है? लिम्फोइड सीरीज के द्वारा। नेक्स्ट, द कमिटेड स्टेम सेल फॉर द एरिथ्रोसाइट गिव राइज टू द प्रोजेनाइटर सेल, और जो क्या है? कमिटेड स्टेम सेल है एरिथ्रोसाइट के लिए, यानी उन्होंने कमिटमेंट फिक्स कर लिया कि वो आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी, तो वो स्टेम सेल फिर किसमें डेवलप होती है? प्रोजेनाइटर सेल में, आरबीसी की प्रोजेनाइटर में, यानी जनक में। नेक्स्ट, प्रोजेनाइटर सेल, प्रोजेनाइटर सेल आरबीसी के अंदर मोस्टली दो प्रकार की होती है, कौन सी? बीएफयू एरिथ्रोसाइट या ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, दूसरी कौन सी है? सीएफयूई यानी कॉलोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट। तो आरबीसी के अंदर जो प्रोजेनाइटर है वो कितने टाइप के है? दो टाइप के, एक तो बीएफयू ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट और दूसरी क्या है? सीएफयू कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो सबसे पहले देखिए बीएफयू यानी ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट, इट इज लार्ज मल्टी लोब्यूलेटेड कॉलोनी, ये क्या है? इसके अंदर लोब्यूल्स यानी पालियां प्रेजेंट रहती है, इसमें बहुत सारी, मल्टी मीन्स काफी, इसके अंदर क्या है? और लार्ज मीन्स बड़ी, इसके अंदर क्या है? काफी बड़ी, और लोब्यूल्स की यानी पालियों की कॉलोनी प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट, यानी जो स्टेम सेल है वो क्या है? फिर बीएफयू की कॉलोनी फॉर्म करती है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनी, यानी जो कॉलोनी का विकास है, ठीक है, डेवलपमेंट किसी चीज का विकास, कॉलोनी रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर, यानी बीएफयू का जो डेवलपमेंट है वो किस, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? बीपीए पे, यानी ब्रेस्ट प्रोमोटिंग एक्टिविटी, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? बीपीए पे, यानी ब्रेस्ट प्रोमोटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट, बीएफयू इज प्रोजेनाइटर ऑफ सीएफयू, यानी ब्रेस्ट फॉर्मिंग यूनिट की जो सेल्स है, इज मतलब है प्रोजेनाइटर किसकी? सीएफयू की, यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की। नेक्स्ट क्या है? सीएफयू यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट या कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, इट इज फॉर्म स्मॉल कॉलोनी, ये क्या है? बीएफयू के कंपैरिजन में सीएफयू क्या है? छोटी कॉलोनियां फॉर्म करता है या बनाता है। नेक्स्ट, द
they do not require BPA factor, but require other factor like erythropoietin. They do not, मतलब क्या है, उनको नहीं जरूरत है, require मतलब उनके लिए क्या है, BPA यानी breast promoting activity जो factor था, उसकी कोई requirement नहीं achieve CFU के development के लिए. Requirement किसके, but require किसकी जरूरत है, other factor like erythropoietin. यानी CFU के development के लिए BPA factor की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन erythropoietin hormone जो है उसकी प्रेजेंस जरूरी है. नेक्स्ट, CFU सेल गिव राइज टू ब्लास्ट सेल. यानी CF ब्लास्ट का मतलब होता है किसी चीज को बनाने वाली सेल, और ब्लास्ट का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ने वाली सेल. जो CFU है यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, वो फिर किसके अंदर कन्वर्ट होती है, ब्लास्ट के अंदर, यानी आगे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर. CFU सेल्स आर मोर मैच्योर देन BFU. यानी CFU सेल क्या है, BFU यानी ब्रस्ट फॉर्मिंग यूनिट के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा परिपक्व है. नेक्स्ट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट दे डेवलप फ्रॉम CFU. किसके द्वारा डेवलप हुई है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट CFU के द्वारा. जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उसका डायमीटर कितना होता है, 16 टू 20 माइक्रोमीटर. और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो स्टेज है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर, वहां पे क्या है, माइटोसिस जो होता है यानी विभाजन चलता रहता है अभी तक. न्यूक्लियस क्या होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, लार्ज यानी बड़ा होता है. साइटोप्लाज्म कैंटी यानी कम होता है. नेचर कैसा होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का, बेसोफिलिक यानी सारी है. हीमोग्लोबिन अभी तक एब्सेंट है. और कितने दिन लग गए प्रो एरिथ्रोब्लास्ट तक मैचुरेशन में, डे फर्स्ट. यानी अभी तक जब आप कमिटेड स्टेम सेल से लेके और BFU में कन्वर्ट हुए, DFU से CFU में कन्वर्ट हुए, और CFU से किस में कन्वर्ट हुए, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, यहां तक का जो मैचुरेशन था वो केवल एक दिन के अंदर कंप्लीट होता है. किसके अंदर, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर. नेक्स्ट, जो आपकी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट थी वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, जहां पे सेल का डायमीटर कितना हो जाता है, 10 टू 16 माइक्रोमीटर. यानी प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का जो डायमीटर था 16 टू 20 माइक्रोमीटर, उसके कंपैरिजन में क्या हो जाता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है. माइटोसिस क्या है, अभी भी शो है, यानी माइटोसिस अभी भी चल रहा है, विभाजन अभी भी चल रहा है. न्यूक्लियस लार्ज यानी केंद्रक जो है वो कैसा है, सेल के अंदर अभी भी बड़ा है. साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक एंड कैंटी, और साइटोप्लाज्म जो है वो अभी तक कैसा है, सारी है, और कैंटी यानी बहुत ही कम. नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन बिगन्स यानी हिमुक अपीयर इन स्मॉल. हीमोग्लोबिन बिगन्स का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस जो है, हीमोग्लोबिन का बनना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है. यहां तक की जो प्रोसीजर है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है, डे टू में, यानी दूसरे दिन तक कंप्लीट होती है. नेक्स्ट, सबसे पहले कमिटेड स्टेम सेल, कमिटेड स्टेम सेल फिर किस में कन्वर्ट हुई, BFU में. BFU फिर किस में कन्वर्ट हुई, CFU में. और CFU फिर किस में कन्वर्ट हुई थी, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में. जहां तक का जो टाइम था वो कितने दिन था, एक दिन. और फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट किस में कन्वर्ट हुई, नॉर्मोब्लास्ट में. यहां तक का जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्रोसीजर है वहां तक कितने दिन लगते हैं, दो दिन. नेक्स्ट, इंटरमीडिएट और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट फिर किस में कन्वर्ट होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसका डायमीटर कितना है, 10 टू 14 माइक्रोमीटर. यानी अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का जो डायमीटर है वो क्या होता है, कम होता है. नेक्स्ट, माइटोसिस स्टॉप यानी जो विभाजन था वो क्या हो जाता है, यहां पे आके बंद हो जाता है. न्यूक्लियस बिकम स्मॉल यानी सेल के अंदर जो केंद्रक था, न्यूक्लियस था, वो बिकम स्मॉल यानी क्या है, छोटा हो जाता है पहले की कंपैरिजन में. हीमोग्लोबिन एक्यूमुलेट, और हीमोग्लोबिन जो सिंथेसिस है वो क्या है, कंप्लीट हो जाती है, सेल के अंदर जमाव हो जाता है हीमोग्लोबिन का. और आपको पता है हीमोग्लोबिन आरबीसी के कहां पे प्रेजेंट होता है, कोनों के ऊपर, एज के अंदर. और सेल का जो नेचर है वो कैसा हो गया, बेसोफिलिक से एसिडोफिलिक यानी अम्लीय. यहां तक का जो टाइम था वो कितना है, डे थ्री. यानी कमिटेड स्टेम सेल से लेकर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट तक का जो मैच्यूरेशन है बोन मैरो के अंदर, किसका, एरिथ्रोपोइसिस का, वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, तीन दिन के अंदर.
फिर जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट थी वो किसमें कन्वर्ट होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, जिसका डायमीटर कितना है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का डायमीटर था 10 to 14 माइक्रोमीटर, यानी 10 से 14 माइक्रोमीटर, और लेट नॉर्मोब्लास्ट का जो डायमीटर कितना है, 8 to 10 माइक्रोमीटर, यानी सेल का जो साइज था वो क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एंड लॉस्ट। न्यूक्लियस क्या यहाँ पे या तो बिल्कुल ही छोटा होता है, आपने क्या है डायग्राम के अंदर देखा था, लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर न्यूक्लियस क्या है, सेल से बाहर चला जाता है, यानी गायब हो जाता है। न्यूक्लियस क्या या तो बिल्कुल छोटा हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। साइटोप्लाज्म, एसिडोफिलिक एंड इंक्रीज इन अमाउंट, और साइटोप्लाज्म का जो नेचर है यानी उसकी अभिक्रिया कैसी है, तो क्या है एसिडोफिलिक यानी अम्लीय, अम्लीय, और उसका अमाउंट क्या हो गया सेल के अंदर, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। Day 4 यानी दिन कौन सा, अभी तक चौथा, यहां तक जो आरबीसी का मैच्योरेशन है, कमिटेड स्टेन सेल से बीएफयू में, बीएफयू से सीएफयू में, फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर क्या इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट और लेट नॉर्मोब्लास्ट तक का जो मैच्योरेशन आरबीसी का, वो 4 दिन के अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट है जो, वो किसमें कन्वर्ट होती है, रेटिकुलोसाइट में, यानी प्री मैच्योर सेल ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी जब, यानी कंप्लीट मैच्योर जो सेल है एरिथ्रोसाइट, उससे पहले की जो सेल है प्री मैच्योर सेल, उससे थोड़ी सी अपरिपक्व सेल, वो कौन सी है, रेटिकुलोसाइट। शेप कैसी है, फ्लैट डिस्क शेप एंड नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधी, मतलब ये सेल है जो क्या है आरबीसी के जैसी है, मतलब ये मतलब सीधी है, लेकिन आपको पता है आरबीसी के जो सेंटर होता है वो क्या होता है, थिन होता है, बिल्कुल पतला, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल सीधी है। और नॉन न्यूक्लिएटेड यानी अभी रेटिकुलोसाइट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, द स्लाइटली बिगर देन द मैच्योर आरबीसी, और इसका जो साइज होता है रेटिकुलोसाइट का वो स्लाइटली यानी थोड़ा सा बड़ा होता है, किसके कंपेरिजन में, आरबीसी के कंपेरिजन में, यानी मैच्योर आरबीसी के कंपेरिजन में। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कंसेंट्रेशन रीच टू द लेवल ऑफ मैच्योर सेल, और जो हीमोग्लोबिन का कंसेंट्रेशन है यानी सांद्रता है वो क्या है, आरबीसी के कंपैरिजन में बिल्कुल इक्वल हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है। टेक 2 days फॉर मैच्योरेशन, और रेटिकुलोसाइट एक क्या है परिपक्व मैच्योर आरबीसी के अंदर कन्वर्ट होने में कितना दिन लगती है, 2 दिन लेती है, यानी यहां तक कितने दिन का समय लग गया, 6 दिन का, 4 दिन का तो लेट नॉर्मोब्लास्ट तक लगा था, रेटिकुलोसाइट में क्या है 2 दिन का समय लगता है, 1 दिन का समय तो कहां पे लगता है आपको, बोन मैरो के अंदर, यानी रेटिकुलोसाइट 1 दिन किस में प्रेजेंट रहती है, बोन मैरो के अंदर, और दूसरे दिन किस में प्रेजेंट रहती है, फिर नेक्स्ट डे वो किस में आ जाती है, नेक्स्ट डे वो के नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर आ जाती है, और सर्कुलेशन के अंदर सर्कुलेट होते होते वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एरिथ्रोसाइट के अंदर। नेक्स्ट, 1% ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसी आर रेटिकुलोसाइट, मतलब कंप्लीट आरबीसी यानी जो एरिथ्रोसाइट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही है, उसके टोटल वॉल्यूम के जो एरिथ्रोसाइट है वो कितने परसेंट होती है, रेटिकुलोसाइट 1% होती है। 1 day ऑफ रेटिकुलोसाइट मैचुरेशन इन बोन मैरो एंड नेक्स्ट डे इन सर्कुलेशन, यानी रेटिकुलोसाइट का मैचुरेशन यानी परिपक्वन जो होता है वो 1 दिन तो बोन मैरो के अंदर होता है, और दूसरे दिन नेक्स्ट डे किसके अंदर होता है, सर्कुलेशन के अंदर, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है वो, रेटिकुलोसाइट फिर किस में कन्वर्ट होती है, एरिथ्रोसाइट के अंदर यानी आरबीसी के अंदर, जो क्या है एक मैच्योर सेल है यानी परिपक्व सेल है जिसका डायमीटर कितना है, 7.2 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड एंड बाइकोनकेव, जिसकी शेप कैसी है, तो बाइकोनकेव यानी उपअवतल, रेटिकुलोसाइट की शेप थी फ्लैट यानी सीधी, लेकिन इसकी कैसी है, बाइकोनकेव यानी उपअवतल, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस टेक 7 डेज, यानी आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, रेड ब्लड सेल का जो बनना है बोन मैरो के अंदर, वो पूरा प्रोसीजर कितने दिन में कंप्लीट होता है, 7 दिन के अंदर। नेक्स्ट, फैक्टर दैट इफेक्ट एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे फैक्टर जो क्या है एरिथ्रोपोइसिस को इफेक्ट करते हैं, यानी उसके ऊपर क्या है प्रभाव डालते हैं, तो सबसे पहले देखिए एरिथ्रोपोइटिन, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ये कैसा हार्मोन है, ग्लाइको यानी ग्लूकोज
से रिलेटेड, ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलकर क्या बना हुआ, हार्मोन है, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम किडनी, जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है, किडनी के द्वारा, एंड स्टिमुलेट द एरिथ्रोपोइसिस, और किसको स्टिमुलेट करता है यानी उत्प्रेरित करता है, एरिथ्रोपोइसिस को. नेक्स्ट एंड्रोजन, एंड्रोजन जो आपको पता है वो किसके अंदर सिक्रेट होता है, मेंस के अंदर. एंड्रोजन हार्मोन क्या स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट एरिथ्रोपोइसिस यानी किसको स्टिमुलेट उत्प्रेरित करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को. देयरफॉर मैन हैव हायर आरबीसी काउंट, और इसीलिए क्या है, मेंस के अंदर जो आरबीसी की काउंट है यानी गणना है वो क्या है, हायर है, ज्यादा है, कंपेयर टू वोमेन यानी वोमेन्स के तुलना में. एक रीजन तो ये है. दूसरा क्या है, मेंस के अंदर जो आरबीसी का काउंट है हाइयर है क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिससे क्या है उनके अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे क्या है आरबीसी काउंट कम हो जाते हैं. नेक्स्ट एस्ट्रोजन, दे हैव इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द एरिथ्रोपोइसिस. एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो क्या है, इनहिबिटरी मतलब इनहिबिट किसी काम को बंद करना है, उसको रोक देना, तो वो क्या है, रोक देता है, उसको क्या है, स्टॉप करने का काम करता है एरिथ्रोपोइसिस को. नेक्स्ट हार्मोन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल एंड ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी जो थायरोक्सिन या फिर कोर्टिसोल या फिर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन है वो भी क्या है, एरिथ्रोपोइसिस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट डाइटरी फैक्टर, यानी कि जो क्या है अपन डेली रेगुलर डाइट के अंदर लेते हैं उन फैक्टर का क्या इफेक्ट है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर. सबसे पहले देखिए अपनी जो नॉर्मल डाइट है उसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस के लिए दो चीजें होनी कंपलसरी है, एक तो आयरन जो क्या है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के अंदर काम आता है, और एक क्या है विटामिन B12 जो किसके लिए नेसेसरी है, रेटिकुलोसाइट से जब एरिथ्रोसाइट के अंदर एरिथ्रोपोइसिस के अंदर जो स्टेज कन्वर्ट होती है उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन B12. तो इसके अंदर देखिए आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन. तो एरिथ्रोपोइसिस में आयरन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए, और विटामिन B12 इज द नेसेसरी यानी जरूरी है फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसी, और विटामिन B12 किसके लिए जरूरी है, आरबीसी के मैच्यूरेशन के लिए कंपल्सरी है. एक बार फिर देखिए फैक्टर अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस यानी क्या एक तरीके से चार्ट के द्वारा दिखाया गया है. तो सबसे पहला जो कौन सा फैक्टर है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू, यानी अगर ऑक्सीजन सप्लाई क्या है प्रॉपर वे में हो रही है टिश्यू तक, एरिथ्रोपोइसिस क्या है स्टिमुलेट नहीं होता, और अगर क्या है डिक्रीज, नेक्स्ट लाइन में क्या है डिक्रीज ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है यानी कम हो जाता है, तो क्या सिक्रिएट हो जाता है, कौन सा हार्मोन सिक्रिएट करती है किडनी, एरिथ्रोपोइटिन, जो क्या करता है इंक्रीज आरबीसी, जो किसको इंक्रीज कर देता है आरबीसी काउंट को या एरिथ्रोपोइसिस को यानी आरबीसी फॉर्मेशन की जो प्रोसीजर है उसको इंक्रीज कर देता है, पहली चीज. नेक्स्ट सेकंड चीज हेल्थी बोन मैरो, यानी जो आपका बोन मैरो है जिसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस होती है उसका क्या है हेल्थी यानी प्योर स्वस्थ होना क्या है जरूरी है, किसके लिए एरिथ्रोपोइसिस के लिए. अगर आपका बोन मैरो क्या है डिजीज उसके अंदर क्या है जैसे कैंसर होगी या फिर अदर कोई डिजीज होगी, तो एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसीजर है उस पर क्या पड़ेगा इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है वो स्टॉप भी हो जाए. नेक्स्ट हेल्थी लीवर यानी स्वस्थ लीवर, और वाई मतलब क्यों, स्टॉप ऑफ आयरन यानी स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन को स्टोर करने के लिए, क्योंकि आयरन को आपको पता है आयरन की जरूरत होती है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में, और विटामिन B12 के लिए एरिथ्रोपोइसिस इन फीटस के अंदर. नेक्स्ट चौथी चीज क्या है डाइट, डाइट के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, आयरन या फिर विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड, ये सारी चीजें होनी कंपलसरी है. आयरन क्या करता है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है. नेक्स्ट विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड ये किस चीज के अंदर काम में आते हैं, डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन. तो आपने देखा होगा आरबीसी के मैच्यूरेशन में एक नाम आया था माइटोसिस यानी स्तंभ सूत्र विभाजन क्या है अभी तक चल रहा है, और लास्ट में क्या है माइटोसिस स्टॉप होती है, तो
उनको मेंटेन करने के लिए कौन सी चीजें काम में आती है, विटामिन B12 और फोलिक एसिड, और प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, ग्लोबिन फॉर्मेशन यानी हीमोग्लोबिन के अंदर जो ग्लोबिन पोर्शन है उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। नेक्स्ट हार्मोन्स, और कौन से हार्मोन है जो जो इसको इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले एंड्रोजन या फिर थायराइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन क्या है, स्टिमुलेट करते हैं यानी प्रेरित करते हैं किसको, एरिथ्रोपोइसिस को। सबसे पहले तो ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा तो एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होगी। दूसरी कंडीशन आपका बोन मैरो क्या है, हेल्थी होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, किसके लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तीसरी चीज आपका लीवर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। चौथी चीज आपकी डाइट के अंदर आयरन, विटामिन सी, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड प्रेजेंट होनी चाहिए। और पांचवी चीज ये हार्मोन्स है जो क्या है, एंड्रोजन, थायरॉइड या फिर ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन्स जो किसको स्टिमुलेट करते हैं, एरिथ्रोपोइसिस को उत्प्रेरित करते हैं। यहां तक का जो चैप्टर आपका एरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसीजर था यानी RBC का फॉर्मेशन का जो चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो लेक्चर आपका वो किसके ऊपर है, हीमोग्लोबिन के इंट्रोडक्शन के अंदर। और हीमोग्लोबिन आपका कहां से उठाया गया, एरिथ्रोसाइट यानी RBC के अंदर जो पिगमेंट था उसके बारे में अपन कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स टू ऑल।